हेलो गाइस, माय सेल्फ प्रतीक मिश्रा एंड वेलकम टू ट्राई टू फाइंड चैनल। सो हमारा 1K फैमिली कंप्लीट हो गया है और आपने थंबनेल देखा है तो कौन सा आरसी प्लेन बनाने वाले हैं तो वो तो आपको पता ही है, उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और थैंक यू फॉर 1K सब्सक्राइबर। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले। सो गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए या इंस्टाग्राम आईडी के लिंक आपको मिल जाएगी, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका अगर लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो जो प्रोडक्ट हमने यूज किया है उसकी भी पूरा बायो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके रखेंगे। सारे कटिंग का मेजरमेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। गाइस, ये नॉर्मल थर्माकोल सीट 1 इंच का है जिसे हम कट कर लिए हैं एरोडायनेमिक शेप में, विंग के लिए हमने कट किया इसे। और आपको डेफ्रॉन सीट भी यूज कर सकते हैं, और जो चैम्बर मैंने बनाया है वो डेफ्रॉन सीट से बनाया है, बट आप चाहें तो थर्माकोल सीट से ही बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसका वीडियो मैं डाल दूँगा यूट्यूब पर। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, एडिटिंग एंड वीडियो क्वालिटीज, इन सबको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए जिससे मैं और भी सुधार ला सकूं अपने वीडियो में। सो जिस तरह मैंने मेज़रमेंट करके कट किया है आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसे मेज़र से कट कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने डेफ्रॉन सीट किया यूज किया है, अगर आप चाहें तो थर्माकोल सीट भी यूज कर सकते हैं। गाइस, तो ग्लूगन की हेल्प से हम जो चैम्बर की बॉडी चैम्बर है जो फ्यूज़न है उसे हम फिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारा जो स्ट्रेंथ हो वो बढ़ जाए, और टेपिंग ऊपर से टेप से कवर कर देंगे जिससे हमारी मजबूती और भी अच्छे से हो जाए। गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और उसका नेम सब कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग टेप से इसे कवर कर लेंगे, अगर आपके पास कलरफुल टेप है तो आप कलरफुल टेप से इसे कवर करके थोड़ा फिनिशिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं और लुक भी अच्छा लगेगा। सो मेरे पास नॉर्मली टेप था तो मैंने उसी से फिनिशिंग करने की कोशिश की है।
सो गाइज, बैक का हम लोग का इंडिवेटर और न्यूट्रॉन का जो विंग है वो तैयार हो चुका है। देन अब हम इसे पीवीसी पाइप पर फिक्स करेंगे। 1400 केवी का बीएनडीसी मोटर हम लोग यूज कर रहे हैं। एल्युमिनियम सीट को हम फ्यूजन में फिक्स करेंगे ग्लूगन के हेल्प से, उसके ऊपर फिर मोटर हम फिक्स कर लेंगे स्क्रू से। अगर आपको मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है तो आप किसी दो वायर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, देन मोटर का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। हम लोग 30 एम्पियर का सीमॉक ESC यूज कर रहे हैं। बैटरी से कनेक्ट करने के लिए XT60 कनेक्टर हम ESC में कनेक्ट कर रहे हैं। ये हम लोग का चैम्बर जिसमें हम बैटरी और ESC और रिसीवर वगैरह सब इसी के अंदर हम फिक्स करके पैक करेंगे। गाइज, ये नॉर्मल वायरिंग पाइप है तो इससे हम यूज करेंगे जो विंग्स को बैक 10 से मतलब एनरॉन और एलिवेटर से कनेक्ट करेगा। वीडियो में आप देख रहे हैं कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, आप वैसे ही एग्जैक्ट कनेक्ट कर सकते हैं या आपके पास कोई बेटर आइडिया हो तो आप उसे अप्लाई करके कर सकते हैं। सो गाइज, जब हम एनरॉन और एलिवेटर के जो विंग्स हैं उसे जब विंग से कनेक्ट करने लगेंगे तो बहुत केयरफुली कनेक्ट करना है कि जो मेज़रमेंट हो वो सेम हो, अदरवाइज हम लोग का विंग जो है वो प्लेन जो एक ही साइड टर्न करता रहेगा। इस प्लेन का जब पूरा डायनेमिक शेप रेडी हो जाए तो रबड़ बैंड लगा के हम उसका CG सेट चेक कर लेंगे, जिससे कि हमारा प्लेन जो हो वो काफ़ी स्टेबल हो जाए। उसके बाद ही फ्यूजन और विंग्स को ग्लूगन की हेल्प से फिक्स हम करेंगे। सो आपको ये विंग्स जो है आपको रोबो इन पे मिल जाएगा 100 के अंदर ही, और इसमें नॉर्मल मैंने घर से ही सब कुछ बनाया है, तो अगर आप बोलोगे तो इस पर भी मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल लूँगा। सो ऐसे ही नॉर्मल मैकेनिज्म से मैंने इसका लैंडिंग गियर बनाया है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और ग्लूगन की हेल्प से हम इसे फिक्स कर लेंगे अपने फ्यूजन में। तो गाइज, हम लोग का जो लैंडिंग गियर है वो रेडी हो चुका है। देन अब हम सर्वो फिक्स करने वाले हैं।
तो सर्वो के लिए मैंने उसमें कुछ नए वायर्स ऐड कर दिए जिससे कि उसकी जो लेंथ हो वो बढ़ जाए। तो फिर और आयरन के हेल्प से हम उसमें थोड़ा सरफेस बना देंगे जिसमें हम सर्वो को फिक्स करने वाले हैं। तो नाउ हम सर्वो को फिक्स कर रहे हैं और सर्वो जो है SG90S का है हम लोग का, जो सर्वो हम लोग यूज किए हैं। आप इससे बेटर क्वालिटी भी प्रोवाइड करा सकते हैं, आपके पास अगर हो तो आप इससे बेटर क्वालिटी यूज कीजिए। सो हम लोग का सर्वो फिक्स हो गया। अब हम थोड़ा मेजरमेंट के हिसाब से उसमें कट मार देंगे, जो विंग्स का एंड्रॉन और रडा वो होता है एलिवेटर, उसमें कट मार के जिसके अंदर मैं अपना ये होम मेड एक पिन बनाया हूँ उसे ही उसमें ग्लूगन की हेल्प से फिक्स कर लूँगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। ऐसे ही जैसे मैंने फिक्स किया आप वैसे भी फिक्स कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई बेटर मैकेनिज्म हो तो उसे आप लगा के फिक्स कर लीजिए। ये आयरन रॉड हमने यूज किया है जो नॉर्मल फुंझड़ी वगैरह में निकलती है, तो उसे ही मैंने यूज किया है इसके लिए। सो अब हम लोग को FSI-6A रिसीवर यूज कर रहे हैं जिसमें हम कनेक्शन करने वाले हैं। जो हम लोग का थर्ड चैनल होगा वो ECS से कनेक्ट होगा, सेकंड चैनल एलिवेटर से एंड फर्स्ट चैनल एनरॉन से। तो फर्स्ट एनरॉन, सेकंड एलिवेटर एंड थर्ड वो थॉटन। तो हम लोग चेक करने की कि अब हमारा सब कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं, देन उसके बाद ही हम आयरन रॉड से सर्वो को कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग का सर्वो का जो मैकेनिज्म था वो हो गया है। तो अब हम प्रॉपनर ऐड करने वाले हैं। प्रॉपनर 8045 है, 8 इंच का प्रॉपनर यूज कर रहे हैं। और हम लोग प्रॉपनर को जो है वो उल्टा उसमें फिक्स करेंगे मोटर में, जिससे कि हमारा जो थ्रस्ट हो वो बैक साइड से हो, बैक साइड को हो। सो हम लोग का सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। देन अब हम सिनेमेटिक वीडियो शूट करने वाले हैं इस प्लेन का। तो अगर वो सिनेमेटिक वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो मिलते हैं कुछ क्रिएटिव आइडियाज के साथ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिर्फ आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलेगा। और जो सिनेमेटिक वीडियो मैंने शूट किया है उसके बारे में बताइए कि उसमें क्या सुधार और कर सकते हैं जो आप सबको और भी अच्छा लगे उसमें।